हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बोले एक्सरा बोले बोले कि टेक्स कर रहे हैं, मैं खून का रिपोर्ट देख रही थी, तो मैं कुछ बोला नहीं और पूरा मेरा नॉर्मल निकला नहीं। और अगर वो कैंसिल बताया कि एक एक्शन मेरे को दिए तो मायने लाने के लिए कुमार का फिर वहाँ से फिर मेरे अच्छे पुत्र आके मारे हैं, तो मैं मारे तो मैं पुलिस आ गया। अब्दुल अरे रात को तू है ना, तो हंस के बोला हाँ भैया, तो फिर बताया क्या ऐसा करा। तो फिर बाद में मैं बाहर आके मैं उस अंदर में हॉस्पिटल बोली क्या हुआ था मुझे, तो उसको रात में ना बहुत डर के तोड़े भी बोले मेरे बच्चे को क्यों इतना मारे, मेरा बच्चा इतना मार खाए जैसा भी नहीं है, तो माँ इतना पागल है जो कुछ करा भी नहीं रहेगा, तो तुम तुम्हारा खाया तो इतना खाया बोले तो तुम टेंशन लो मत, तो तुमको कुछ भी बोला रहेगा तो भी ना वो छुड़ाने के लिए बोला रहेगा, यानी मेरा बच्चा इतना बताया भी नहीं करके, तो बोले तो छुड़ाने के लिए बोला रहेगा, लेकिन उसको खाली दो ही लापा लगा देखे तो मेरे बच्चे का पूरा चेहरे में पूरा सूजन। हाँ जेल में देखी और वहाँ अंदर उसको पकड़ के हो गया डेढ़ दो महीने हो गए आपने जो पुलिस वाले से बात इन्फॉर्म कर दो, बोले नहीं तो फिर बाद में ना मैं उससे मिल के आ गई, फिर वो अगर फिर मैं आते फिर मैं दूसरे दिन मेरे बच्चे को पैसा लगाई लगाने के बाद जुमेरात को पैसा लगे, और जुमेरात की रात की मैंने इधर आके देखे तो उसको रात को इधर डेढ़ बजे फिर रात को लेके आए बच्चे। हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग कई बार नहीं मालूम, हम लोग को उसको इंतकाल होने के बाद में इसको इधर लेके आए ले अभी मालूम करनी पड़ा तुम्हारे को संडे के दिन 3 बजे मालूम पड़ा परसों। हाँ और एडमिट कर लिया जुमेरात की रात को, डेथ कभी लोग संडे के 12 बजे हुआ और हम लोग को खबर मिली 3 बजे संडे को ही खबर दी। हाँ 3 बजे 12 बजे हुआ 3 बजे ऐसा भी नहीं खबर दी है कि मतलब डेट हो गई। इसके पहले जब आप लेने गए थे जिससे बात किया था पुलिस वाले से भी उसका किधर का कितने बजे का था, 4:30 वही जैसा मुलाकात की आपका ये बोलना है कि इसको बाइक अल्लाह की जेल में मारने की वजह से इसका बाइक अल्लाह जेल में क्या उम्र ज्यादा इधर गए कौन है भी बाइकर लगा अभी क्या रिपोर्ट किए नहीं है नहीं है का बात की यहां पे उसको जेल में मारा गया है। देखो 1.5 महीने से तो जेल में था, अभी बाहर तो गए, ये जो भी हुआ है अंदर ही हुआ है, अंदर ही हुआ, खून भी जो लिए जेल में लिए मारे भी जेल में मारा भी जेल में बराबर। लेकिन जैसा मेरा को एडमिट किए हम लोग इन्फॉर्म करना मांगता था ना, इधर एडमिट किए ना तो बड़ा बच्चा मेरा को संडे के दिन 3 बजे बता रहे ऑफ होने के बाद अरे वो बाइक अल्लाह जेल से कोई आएगा मैडम अंदर है बाकी लोग भीड़ कम करो ना तुमको तू बात कर ले या मेरे को बात कर ले, तेरे को मालूम है क्यों मारा चल बता देते काय के लिए बीच में बोलता है ऐसा बोल रहा है आपकी जेल में बाइक अल्लाह जेल पे बाइक अल्लाह जेल में उसका 12 बॉटली खून निकाला 12 बॉटल उसका खून निकाला ऐसा इनको मालूम था 12 बॉटल खून निकाला ऐसा ही वीक हो जाएगा। वीक होने के बाद में जुमे रात के दिन उसको रात को अपने हॉस्पिटल में देखे गए, आपने इनको इन्फॉर्म नहीं किया, जुम्मा शनिचर इतवार
इतवार के दिन दोपहर को आपने उसकी मदर को इन्फॉर्म करके ये बोला कि लड़के का नहीं, वो भी नहीं किए, वो भी नहीं, ये भी नहीं किए, ये बोल के मेरा नंबर इन लोग ने ईमेल क्या बोले, खाली सीरियस है वाशी पुलिस स्टेशन वाले सीरियस है। रॉबी मैडम आपका जो सुप्रिंटेंडेंट है उसके निगरानी के अंदर लड़का था, जेल में लड़के का डेथ हो गया, कस्टडियल डेथ का केस है, अभी आपके सुप्रिंटेंडेंट मेरे को जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कैसा मरा, जेल में था आप, जेल के हो ना मैडम, जेल में मरा कैसा, मेरा तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, तुम्हारे पास जवाब है, जेल में मरा कैसा, डेढ़ महीने से लड़का बाहर तो नहीं है, डेढ़ महीने से लड़का पुलिस की लॉकअप में या जेल में, जेल में तो उसकी माँ तो उसको मिली, चार दिन पहला मुलाकात किए थे ना आपने, खून निकाले बोला ना आपको, इतना बॉटल खून ले लिया, बारह बॉटल खून निकाले मेरा। अभी देखो मैडम ऐसा है कि आप पोस्टमार्टम जो कर लेगा, सबको पोस्टमार्टम करवाना है, नहीं करवाने का नहीं कराना, मेरे बच्चे का पहले बार जब तक न्याय ना मिले तब तक पोस्टमार्टम, उसका मुंह सूजा हुआ है ऐसा उसकी माँ का बोलना है, उसका चेहरा सूजा है, तो क्या है भाई साहब, जेल में आरोपी को रखते तो मारे डालोगे, इसके पहले भी लेडी को मार दिया आप लोगों ने, जिसकी वजह से कितने सस्पेंड हो गए, आज तक केस चल रहा है, कितने सजा हो गई आप लोग को मालूम है, भाई साहब जेल क्या बटर का वो बन गया है क्या, एक चैम्बर बन गया क्या, जो आया मार दो, जो आया मार दो, पीठ पे पूरा निशान ही मार दो, ताजा निशान है, क्योंकि जब पुलिस की लॉकअप में था जब निशान नहीं था। देखो हम लोग को वासी पुलिस से तो कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि डेढ़ महीने पहले वहां से बाई कल्ला का जो भी जवाब दो ऑफिसर है आप उसको बुलाओ, जब भी तक नहीं आएगा, जब भी तक पेरेंट्स का ऐसा बोल रहे हैं कि हमको पोस्टमार्टम नहीं करना, और अगर जे जे हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर धांधली करेगा पोस्टमार्टम के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा होएगा, समझ लेना, इतना कोई भी डॉक्टर को नहीं, जे जे का पोस्टमार्टम कौन कर रहा है, अंदर है लोग भाई, बुलाओ बुलाओ, पोस्टमार्टम नहीं कराना ना आपको, जब तक पूरा चौकस नहीं होता आपका सुप्रिंटेंडेंट को बुलाओ, वरिष्ठ अधिकारी बोलवा, आम्ही बघूया काय करायचे, कायदे प्रमाणे आम्ही काम करणार, कायद्याच्या विरुद्ध आम्ही जाणार नाही, पण कायद्यामध्ये जर फसला की तुमच्यामध्येही तिची 15 बॉटल तिचा खून कशाला घेतला होता, 15 बॉटल, 15 बॉटल खून लिया, 12 बॉटल खून लिया ना उसका, 12 बॉटल खून क्यों लिया आपने, इनके पास था ना, कैद में तो इनकी था ना, जेल में था, खून कहाँ निकाले, जेजे में जेजे में निकाले, मगर लेके तो इन्होंने आया था ना, डेढ़ बजे रात को कौन सा लोगों को खुलता है जेल, खून क्यों निकाले उसका, या बुलाए हैं तो भी इन्फॉर्म करना जरूरी, आपको इन्फॉर्म नहीं, वो भी यहाँ पे हम लोग जब आए हम लोग को ये बोल रहे कि मुझे खाने में देखो आप एक काम करो मैडम, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं, आपका जो सीनियर वरिष्ठ अधिकारी है उसको बुलाओ, अभी के अभी उसको बुलाओ, सब काम धंधा छोड़ के बोलना आ जा, क्योंकि अब घर जाने का टाइम आ गया, दिन को फोन लगा, टीम को फोन लगा, हम लोग आएंगे, हमको भी इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं वो अपने को कॉपरेट करने को तैयार है, वासी की पुलिस जो है ना, रेलवे पुलिस वो अपने को कॉपरेट करने को तैयार है, टीम को भी बुलाया, डीसीपी को लगाओ, डीसीपी को आ जाए, सुनो नया फोन है, नंबर दे, जी ये है अपने डीन साहब है जे जे हॉस्पिटल के, बहुत अच्छे आदमी है, सब हुआ ये कि इनका लड़के को वाशी पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया था डेढ़ दो महीना पहले चोरी के केस में मोबाइल का, उसके बाद पीसी हो गया, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में था बाई करने, बाई करने में वो था सर, उसके बाद में जुमे रात को निकाले तो बोला कि 12 बोतल जे जे ने, बुध के दिन मिली तो बोले मंगल के दिन, अभी मेरे को रात को 1:30 बजे तक लेकर आए जेजे में, लेके फिर मेरे को 12 बटली खून निकाले और एक्सरे निकाले, फिर भी मेरे मैंने पूछा कि मेरे को खून निकल क्यों निकाले, तो ज़रा पूरा ये चेक करने के लिए करके, फिर भी मेरा ना सब नॉर्मली निकला, मैं कर दो 12 बोतल खून कहीं के लिए ले सकते हैं, आदमी की बॉडी से 12 बोतल खून लेगा तो सही पड़ जाएगा, बाद में भी मैं बोली भी छूटे तो इतना ले तो चिल्लाने का था, बोले कौन कर गया, वो पुलिस साथ में तो क्या बोलेगा उधर के, फिर बाद में हो गया, फिर बाद में कुछ भी बोला नहीं, फिर मैं जो बात करने का करी तो फिर बाद में बोला कि अभी मेरे को
पैसा लगाओ, मैं जुमेरात की भी पैसा भी लगाई उसके पहले, देखे तो सब लोग जो भी बात उसका दुख सुख बताया वकील पे, वकील पे करो करके, तो फिर मैं बोली बेटा तेरे को देख, मैं देखी थोड़ा दिन और रहे, मैं निकाल लूंगी तेरे को ऐसा करके बात करके। फिर वो हवलदार आके खड़े थे, हवलदार बोल के वहाँ के बस करो टाइमिंग खत्म हो गया, तो उतने में मेरे लड़के को देख लिया था, देख के वो फिर फोन उठाया, उठा के फिर मेरे लड़का भी उठा के बोला तो क्या हुआ, बोले तो कल रात वाला तू ही है ना करके, तो हंसा वो बोले हाँ मैं ही छूँ, हाँ बोलते। फिर मैं वो हवलदार को पूछी मैं, बोले क्या हुआ रात में, बोले तो तुम्हारे बेटे को रात में भूत डाल के तोड़े गए, भूत डाल के मारे गए, मतलब देखो 12 बोतल खून गया, उसके बाद उसको मारे पकड़ के अलग मारे, मतलब वाशी पुलिस स्टेशन का कुछ नहीं है, जेल जे जे हॉस्पिटल का ये है कि तुमने 12 बोतल खून लिया और बाइक अल्लाह का नहीं, आपको केस करना पड़ेगा कि यहाँ से 12 बोतल खून जो लिया उसके बाद में जब जेल में गया तो उसको मारे, क्योंकि इनका ऐसा बोलना उसके मुंह स्वेलिंग है, अभी जब बॉडी लाया तो मुंह पे स्वेलिंग दिख रहा है और पीठ पे बेल्ट के निशान लग रहे हैं पट्टे के, पूरा इन्वेस्टिगेट आप पोस्टमार्टम कैसा कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिगेशन, आप पे आ जाएगा, यू ट्राई टू डिस्ट्रॉय एविडेंस, अगर एक जगह पे आपको लग रहा है कि सस्पिशन डेथ हुआ है उसका और कस्टडियल में बाहर तो था ही नहीं, तो मरा किधर है वो, या तो बाइकल्ला जेल में या जे जे में, लेकिन बाइकल्ला के अंदर ही उसका डेथ हुआ है। अब वो सुप्रिंटेंडेंट मैडम आ ही नहीं रही है, यहाँ से बाइकल्ला जेल 3 मिनट के रस्ते पे, 3 मिनट हार्डली, वो नहीं आ रही है, अरे मैडम कुठे गई तो बाइकल्ला की, मालूम है डॉक्यूमेंट लेके आओ, क्योंकि डॉक्यूमेंट से मालूम पड़ेगा उसका खून निकाले 12 बोतल फिर उसको मारे, आज बॉडी के ऊपर निशान है आपने देखा ना, आज बॉडी को जो अंदर लेके गए तो उसपे मुंह पे स्वेलिंग का और पट्टे का निशान है ना, पूरा निशान है, तो आपने तो नहीं मारा, ये तो गारंटी है, वाशी पुलिस ने नहीं मारा, मुंबई पुलिस का कुछ नहीं है, जेल का है, बाइकल्ला जेल क्या हो गया ऐसा मालूम है, जो आ जाता है ना सुप्रिंटेंडेंट लोग मार डाल, लड़की को मार दिया, कितना मारा, सबको सस्पेंड कर दिया, सब पे केस चल रहा है, उसका नाम बोल रहा हूँ महाराष्ट्र लड़ी थी उसको मर्डर कर बाइकल्ला, इसी तरह तो अपने को इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और इनका ऐसा बोलना है अभी कि हम लोग का जब तक रिपोर्ट नहीं आता है कॉज ऑफ डेथ क्यों मारा उसको, जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, क्योंकि पोस्टमार्टम एक बार कर लिया तो लोग बोलेंगे ठीक है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बीइंग द सुपरिटेंडेंट ऑफ जे जे, कि आप बोलो सुपरिटेंडेंट को बाइकल्ला का कि हमको भी पूरा चौकसी चाहिए, तो आप पे आ जाएगा, कल केस करेंगे लोग, पीआई डालेंगे तो आप करवाएगा कि सुपरिटेंडेंट ने जब ना डीन ने बोला कि इमीडिएटली कर दो, पोस्टमार्टम करा दिया, एविडेंस आपने वो कर दिया, तो आपको कानून से चलना पड़ेगा और इसको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। देखो अगर बेटा चोर था, डाकू था, मर्डर था, कोर्ट में केस पेंडिंग था, कोर्ट उसको सजा दे दी थी, फांसी की मंजूर था, लेकिन इस तरह से अगर आज जेल सिक्योर नहीं है अपने देश में तो बाकी किधर सिक्योरिटी मिलेगा, जेल में अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तो आपने को सिक्योरिटी मिलेगा कहाँ, और बाइकल्ला जेल फेमस है ये सब चीज के लिए, आज सुप्रिंटेंडेंट को बुलाओ, अभी भी 1 घंटा पहले उसको बोला वो नहीं आई, आप आ गए देखो उसके पहले, उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसके खिलाफ केस करेंगे, उसकी निगरानी में हुआ है, जेल में ही डेथ तो हुआ है, बाहर रस्ते पे किसी ने मारा नहीं है ना हॉस्पिटल में मारा, चार दिन एडमिट, ये बताएंगे 12 बोतल खून होने के बाद भी इन्फॉर्मेशन दिया, गया जुम्मा गया शनिचर गया संडे के दिन 3 बजे उसका डेथ हो गया, तो हम लोग को फोन करके लोग भी नहीं बताया, 12 बजे हुआ लेकिन 3 बजे हम लोग फोन करे, वो भी बोले कि बहुत सीरियस है, राइटिंग में पहले कंप्लेन कीजिए सर, राइटिंग में सारी चीजें राइटिंग में आना चाहिए, देखो अपना भी एक ही मुद्दा है जब तक